કેટલું આપના જીવનમાં ગૌ માતાએ अनुदान अने वरदान आप्या छे। एवी गौ माताने नियमित एटले ऋषि मुनिओए नियम बनाव्यो के दीकरीने परणावीए ने त्यारे पहेला मंगल फेरामां गायनुं दान अपाय, गायनुं दान अपाय। ब्राह्मण देवता बोले मंडपमां पहेलुं मंगल वरताय रे मंडप अंत समये ज्यारे प्राण जव जव थतो होय एवा समये ए व्यक्तिने जो तमे गायनुं पूंछडुं पकडावी दो तो सीधी ज ए शरीरनी अंदरथी प्राण चेतना गौलोक मां निवास करे, वैकुंठ धाम ने पामी जाय। એટલા માટે ગાયને દીકરીને દાન કરવાની હોય તો પેલી ચાંદીની ગાય આપે। હવે ચાંદીની ગાય તરે ખરી? તરે ને તારે જે પોતે ડૂબી જાય તો બીજાને શું તારે? સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા। અમે તો એવું જ કહીએ ભાઈ, ચાંદીની ગાય નહીં, સાચી ગાય આપવાની હોય તો જ અમને બોલાવજો, નહીં તો નહીં। ફેશન વાળી બેનો વેલી ઉઠે નહીં, રોટલી પેલી ગાય માટે કાઢે નહીં। હવે પેલી ગાયના માટે કાઢે ક્યાંથી? મોડું થઈ ગયું હોય, ભાઈને ઉતાવળ હોય, એટલે ગાયની જાય ભાઈ પાસે। गायनी रोटली खवडावी भाईने अने पछी एवी हड़बड़ाटी मूकीन काम करीने थाकी गई होय ने तो के छेल्ली तो जरा जाडी बनावो, जरा कड़क बनावो ने हूँ खाव। आ छेल्ली रोटली कोने खाधी? एने खाधी होय अने पहेली रोटली गायनी हती ए खवडावी भाईने। हवे बिचारो 5 कलाक 6 कलाक धंधा पाणी करीने आवे, हे अने हाज पड़े तो एवो गरीबड़ी गाय जेवो थी गयो। गायनी खाईने गरीबड़ी गाय जेवो थी गयो होय अने आ तो कूतरानी खाईने बेठी छे। आवे एटली वार, हे आवे एटली वार। ऋषिओनी जे परंपरा छे ए परंपराओनी साथे केटलुं मोटुं विज्ञान छे। केम गायने रोटली खवडाववानी के गायनी पासे रोटली खवडाववाना बहाने एटली वार तो जशे अने एटली वारे गाय पासे जशे त्यारे गायना अंदरथी जे उच्छ्वास निकळे छे, गायना शरीरनो जे उच्छ्वास छे ए उच्छ्वासनी अंदर एटली जबरदस्त ताकत छे के आपने त्यां थोड़ीक वार ऊभा रहीए तो एनामांथी निकळतो उच्छ्वास आपणा श्वास द्वारा आपणा शरीरमां जाय। तो एम कहवाय छे के फेफसानी अंदर जे पण रोगना जीवाणुओ छे एने नाश करवानी क्षमता गायना उच्छ्वासनी अंदर छे अने एटले गाय पासे उभा रो, एने रोटली खवडावो, एटली वार एनी पासे रो, एना शरीर उपर हाथ फेरवो। 10 मिनिट सवार सांज 2 टाइम जो 10-10 मिनिट हाथ फेरववामां आवे तो हाई बीपी अने लो बीपी ना रोग नाश पामे छे। एटले घरना आंगणे गाय बंधाती हती, उतरता चढ़ता घरमां पेसता घरमांथी निकळता मालिक गाय पर हाथ फेरवतो जाय अने गायने पगे लागीने जाय। गौ माता एनी रक्षा करता हता। हवे तो गाय ज क्यां जोवा मळे? तो के घणी मळे, रस्तामां रखडती। हं, आजे मां रखडती थई गई। એટલે આપણને વિનંતી કરું છું કે આપના બાળકોને સમય હોય ને રજાનો ત્યારે અહીંયા ફરવાને પહેલે ફરવા લઈ જવાના બદલે ગૌશાળાની અંદર ફરવા લઈ જાજો કે જેથી કરીને ગૌ માતાનું સાનિધ્ય આપણા બાળકોને મળશે ને ત્યારે તેના ભીતરમાં કનૈયા જેવી દિવ્ય ભાવનાઓ जागृत थशे गौ माता माटे अने ए बहुत जरूरी छे। बाळकोना भीतरनी अंदर गौ रक्षा माटेनी एक लागणी भावना जागृत थवी जोईए। वैष्णवो माटे तो खास कहेवामां आव्युं अने एवुं हतुं के जे सेठ नियमित कथा सांभळवा जता अने जे दिवसे महाराजे गायना प्रकरणनी वात करीने ते दिवसे सेठजीना बदले सेठजीनो दीकरो कथा सांभळवा आवेलो। हवे कथा तो सांभळीने दीकराने एम थई गयुं के गमे ते थाय पण गौ मातानी रक्षा करवी जोईए। काई नहीं तो एने कम से कम खवड़ावुं तो जोईए। एटले बीजा दिवसे सवारमां दीकरो दुकान खोलीने बेठो, सामेथी गाय माताने आवती जोई, ए तो खुश थई गयो। जल्दी जल्दी दुकान में गयो, मोटा तगारानी अंदर मोटी त्रासनी अंदर थोड़ोक लोट काढ्यो। पछी एम थयुं के भगवान आपने घी लगावेली रोटली आपे तो भगवान 33 कोटी देवता गाय मां वास करे, एने काई एमने एम लुखू थोड़ू खवड़ावाय एटले एने तो घी नाख्युं, गोळ नाख्यो ने सरस मजानुं चूरमू कर्युं अने गाय माताने बोलावी, आओ आओ गाय माता, आओ आओ कन्हैयानी प्यारी अने 33 कोटी देवतानो वास, मारो तो दिवस सफल थई जवानो, बोलतो जाय अने गौ माताने खावा माटे मूक्यो। गाय तो खुश थई गई के आजे मारा भाग्य खुल्या। अने एटली सरस हरखाती हरखाती गाय खावा माडी। तमे जोजो गायनी प्रसन्नता। जे दिवसे अपना द्वारा थयेला कामथी गाय प्रसन्न थई जाय ए दिवसे गाय अपना जन्मो जन्मांतरना पापोने धोई नाखे छे। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। खुश थयो के गाय तो वाह केटली प्रसन्न थईने खाई रही छे। आनंद थयो एने। अने त्या सेठ जी दुकाने आवा निकळ्या अने दूरथी सेठे जोयुं के अल्या तो मारी दुकाने गाय खाय छे। अने ज्यां सेठजीने पाको विश्वास थयो के आ मारी दुकानमां गाय खाय छे तो सेठजीनी स्पीड 40 नी हती ने 80 नी थई गई। एटलुं जल्दी जल्दी चालवा माड्या अने जल्दी जल्दी आवीने लाकड़ी ऊंची करीने हांकवा माड्या गायने। त्यारे दीकराए कह्युं, बापू बापू रेवा दो रेवा दो, आ तो गायने हुए ज खावा मुकेलू छे ने खावा दो निराते, एमां 33 कोटी देवतानो वास छे। साचो वैष्णव एने कहेवाय छे गायोनी सेवा करे, बाकी तो काई नहीं। बापू तमे काई समझ्या नहीं। अने बापा गुस्से थया, बार नानो डेटू थईने पाछुं मारी हामे आटलुं बधुं बोलवा मांड्यो छे। अरे बापा तमने खबर, मने बधी ज खबर छे। आ माथाना वाळ काई तापमां बेसीने धोळा नथी थया। आटली बधी दिवाळीओ जोई छे, आटली बधी कथाओ सांभळी छे, क्यांथी लई आव्यो? अरे कथामांथी। ओहो आटला वर्षोथी हुं कथा सांभळुं छुं, हजी सुधी कथाने मे घरनुं पगथियुं नथी बताव्युं अने तूं कथाने दुकानमां लावीने मूकी दे। बेटा कथा तो खाली संभळाय, एने घर सुधी लई जवाय। ले पाछा तमे को के नहीं એટલે તમે અત્યાર સુધી સાંભળી જ નાખી, ખાલી લઈ ગયા નથી એમ ને? હે, કથા ખાલી સંભળાય ને ઘર સુધી લઈ જવાય નહીં। એટલે કહું છું ને કે અહીંયા બેઠા છો ને ત્યાં સુધી પ્લાન બહુ સારા બને કે આમ કરી દઈશું ને તેમ કરી દઈશું। હે, પણ જ્યાં મંડપ છૂટ્યો હે ત્યાં બધું પાછું હતું એનું। લે પછી તમે જ બોલો, સાચું બોલો છો આ કહેવાય। बधुं ज मळे पण सत्संग ना मळे एना माटे खूब ध्यान राखजो। एम करता करता पण वागोळजो। एटले कहेवायुं के सत्संगने वागोळवो पड़े।